हेलो, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। तो आप सबका फिर से स्वागत है और आज हम एनएलिडा के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन को समझेंगे और इसको डिस्कशन करेंगे। मेरे ख्याल से सुपर फाइलम का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। जो प्लटी हेलमेंथिस से कहानी शुरू हुई थी, टस्क हेलमेंथिस पे आके कम्प्लीट हो गई और उसमें आपको ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सुपर फाइलम के लिए कौन सबसे सूटेबल रहेगा। तो मेरे ख्याल से तो ये समझ में आ गया है, एकदम मस्त बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं एनएलिडा की कहानी। हाय रविकांत, वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एनएलिडा। नाउ दिस इज द एनसीईआरटी कंटेंट व्हाट आई हैव पेस्ट हियर फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन, एंड दिस इज हेल्पिंग हैंड फॉर द टीजीटी एंड पीजीटी एस्पिरेंट्स आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट। दे मे बी एक्वेटिक, वो एक्वेटिक हो सकते हैं। दे मे बी एक्वेटिक, अब वो एक्वेटिक में मराइन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर में तो आपने बहुत सारे देखे होंगे। एनएलिडा अब ऐसा ग्रुप होता है जहाँ से नॉर्मली आप इनको देखना शुरू कर देते हैं। ये आपके घर के आसपास भी दिखते हैं। ये हो गया नेरिस, ऊपर जो आपको दिख रहा है नेरिस हेट्रोनेरिस, इसमें पैरापोडिया डेवलप होते हैं। सो यहाँ पे सवाल पूछा जाता है ना कि कनेक्टिंग लिंक कौन है एनएलिडा और ऑर्थोपोड्स में, तो ये पाँव वगैरह दिख रहा है ना, ये ऑर्थोपोड की कैरेक्टर होते हैं और इसमें एनालिड के भी कैरेक्टर हैं, बट मैक्सिमम एनालिड के कैरेक्टर्स होते हैं। सो इसको एनालिडा में रखा जाता है। सो याद कर लीजिए, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड एंड ऑर्थ्रोपोड्स। कहीं कोई दिक्कत? सबको बढ़िया दिख रहा है, एकदम बढ़िया। कहीं कोई आफत, कहीं कोई समस्या? जिसको ना दिख रहा हो वो भी बता दे भाई साहब, मुझे तो लग रहा है कि सबको प्रॉपर दिख रहा होगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और नीचे वाले को तो आप पहचानते हो, ये हमारी बॉडी के स्किन पे चिपक जाता है और ब्लड को सक करता है, जोंक कहते हैं हिंदी में। चलिए कहानी शुरू करते हैं आगे। सो देयर मे बी एक्वाटिक मरीन और फ्रेश और टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग समटाइम्स पैरासाइटिक, समटाइम्स दे बिकम पैरासाइटिक ऑल्दो मोस्टली दे आर फ्री लिविंग। दे एग्जिबिट, अब ये कॉम्प्लेक्स तो होंगे ही, तो दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कैसा भाई सब? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं और बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। अब खैर इसके आगे सभी के सभी क्या होंगे? बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर मिस किया है, मैं ये कहूँगा कि पीछे का लेक्चर जरूर जाके देख लो, वरना आगे नहीं समझ में आने वाला है। बस सुन लोगे बट दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ओके? और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, बेल आइकन पुश कर लीजिए, जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड वेलकम यू ऑल। नाउ दे आर ट्रूली ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर ट्रूली ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये एकदम ट्रू ट्रिप्लोब्लास्टिक होने शुरू हो जाते हैं। क्या हो, क्या जाते हैं? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एकदम परफेक्ट। एंड सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ मेटामेरिकली सेगमेंटेड सिलोमेट एनिमल्स, ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन यहाँ पे हो जाता है। एन्यूल्स बनते हैं इनमें, क्या बनते हैं? एन्यूल्स बनते हैं भाई साहब, है ना, जिसको कि हिंदी में रिंग, मतलब इंग्लिश में रिंग कहा जाता है ना। और ये दिखता भी है बाहर से, इसीलिए तो ये एनालिडा है। आगे कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर हमें, एकदम ट्रू सीलोम यहाँ मिलेगा, ये याद रखेंगे। कोई सूडो सीलोम वाली कॉन्सेप्ट नहीं, एकदम ट्रू सीलोम मिलेगा, ठीक है। एनालिडा में बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल एडवांसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट सेगमेंट्स और यू कैन से द मेटामर्स, एंड इसी वजह से इसको एन्यूल्स, ये जो मेटामर्स या सेगमेंट्स बनते हैं, एन्यूल्स दैट इज लिटिल रिंग्स आर प्रेजेंट, एंड सो द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर एनालिडा। अंबिका जी गुड मॉर्निंग, वेलकम। And hence the phylum name Annelida. So this is the Latin word annules from which the name of this phylum will be derived. I think it will be very very clear to you now. They possess longitudinal and circular muscles which help in the locomotion. As you see, many of the organisms of this particular phylum in the rainy season, nowadays it will be a very very
सुपर रेनी सीजन एंड यू विल सी द अर्थ वर्म. सो अर्थ वर्म इज वन ऑफ द एनिमल बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर फाइलम एंड सो फॉर द पर्टिकुलर लोकोमोशन दे हैव सम डेवलप्ड मसल्स दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स. ओके aquatic annelids like nereus is here at the upper side. This structure is nereus. This is what nereus. Okay, and sometimes it is metamorph, or you can say sometimes during the reproduction it will be changed into heteroneres. It will be changed into heteroneres. So heteroneres ki jo condition hoti hai wo jyada similar hoti hai orthophote se, aur neres ki condition mein jab ye rehta hai tab ye jyada similar hote hain kisse, aapke annelids. To annelid aur orthophote dono ke hi condition dekhne ko milte hain. To ye ek evolutionary pattern show karta hai, evolution ko dikhata hai ki annelida se orthophote badhe honge. Halanki do diversification ki theories aati hain, ek ki annelida से ऑर्थोपोड बने होंगे और एनेलिडा से मलस्क भी डेवलप होंगे, क्योंकि मलस्क आप देखते हैं बहुत सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, लेकिन हमको पता है कि मलस्क में ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन और सेंसरी ऑर्गन के ऑर्गेनाइजेशन बहुत हाई डेवलपमेंट में रहते हैं. सो थियरीज हैं डिफरेंट डिफरेंट. फिलहाल एनसीईआरटी को देख लेते हैं. एम आई क्लियर? मेरी बात एकदम समझ में आ रही है बढ़िया से अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. एक्वाटिक annelids like nereus possess lateral appendages and these are called parapodias. तो यहाँ पे जो आपको साइड में lateral appendages देखने को मिल रहे हैं, है ना? Can I zoom this? Yes, I zoom this. Okay, you can see this. तो ये जो lateral appendages आपको देखने को मिलते हैं, ये lateral appendages ही क्या कहलाते हैं? Parapodia कहलाते हैं. अब इसको देख के तो आप confused हो सकते हो कि ये तो arthropods का member लग रहा है, but no, this is truly belongs to the वट एनालिडा. पर यही है, इसमें डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते रहते हैं. अब मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा. तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. सो दीज अपेंडेजेस आर कॉल्ड पैरापोडिया विच हेल्प्स इन द स्विमिंग द क्लोज्ड सर्कुलेटर सिस्टम. ये नोटेबल थिंग है, यहाँ पे बहुत बड़े चेंजेस आते हैं, यहाँ पे ड्रास्टिक चेंजेस. द क्लोज्ड सर्कुलेटर सिस्टम इज प्रेजेंट. एनालिड्स are the first organism here in this category. Lower animals आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे lower में, मतलब ये पहली बार पूरी evolutionary history में आप देख लेंगे, ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि closed circulatory system मिल रहे हैं, है ना? Closed circulatory system ये पहली बार मिलते हैं. तो फिर से एक question बनता है कि पहली बार किस फाइलम में क्लोज्ड सर्कुलेटर सिस्टम देखने को मिलता है? और जो भी लोग देख रहे हैं इसका आंसर तो आप टाइप कर ही दीजिए, है ना, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आप एक्टिव हैं. क्लोज्ड सर्कुलेटर सिस्टम प्रेजेंट. ओके, समझ में आ गया? गुड मॉर्निंग हर्ष. ओके, तो ये हो गया क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. एम आई क्लियर? और ये पहली बार कहां देखने को मिला? एनालिडा में. तो प्लीज टाइप कर दीजिए, इट इज फर्स्ट ऑब्जर्व इन द एनालिडा. नाउ एक और चीज, प्रोटोनेफ्रिडिया की कंडीशन यहाँ खत्म और एडवांसमेंट आती है. नेफ्रिडिया यहाँ पे बहुत अच्छे से बन जाते हैं, यानी सिंगुलर में नेफ्रिडियम कहिए. नेफ्रिडिया हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. तो नॉर्मली नेफ्रिडिया का काम एक्सक्रीशन का होता है, और इसी के थ्रू ये ऑस्मोरेगुलेशन को भी क्या करते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं. न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लियन. तो धीरे धीरे अब इनका ब्रेन भी, यानी अब ब्रेन तो यहाँ पर्टिकुलरली, यस हर्ष, एनालिडा, वेरी गुड. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ब्रेन तो नहीं डेवलप हो जाता है, बट न्यूरल सिस्टम्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. न्यूरल सिस्टम का डेवलपमेंट बिल्कुल स्टार्ट हो चुका. धीरे धीरे आप देखते हैं यहाँ से जैसे जैसे आप मलस्क तक पहुँचेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, और वहाँ भी ब्रेन तो नहीं बनता है बट न्यूरॉन्स का पूरा एक पैकेज बन जाता है. आप लोगों ने पाइला ग्लोबोसा का एक्सपेरिमेंट किया होगा, पाइला ग्लोबोसा को कट करके उनके गैंग्लियंस को देखा होगा, है ना? डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं. इवन इंसेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो जाते हैं, खासकर आईज के मामले में. कंपाउंड आईज तो भाई गजब की वहाँ डेवलपमेंट हो जाती है. तो अभी तक यहाँ पे आई स्पॉट या छोटी छोटी चीज़ें डेवलप हो रही होती थी, लेकिन आगे के फाइलम्स में देखेंगे कि सेंस ऑर्गन्स भी बहुत डेवलप हो रहे हैं. ओके, फिर से यहाँ आइए. न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाई लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड.
ठीक है ओके। नेरिस एन एक्वाटिक फॉर्म इज डायोसियस बट अब देखिए यहां पे नेरिस तो डायोसियस है बट अर्थवर्म्स एंड लीचेस आर मोनोसियस। तो देख रहे हैं यहां पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो रही है और यही डाइवर्सिटी कारण बनती है दो अलग अलग थियरीज बनाने की। एक ये कहता है कि भाई इसी से इंसेक्ट इन्वॉल्व हुए होंगे, दूसरा कहता है कि भाई इसी से, अब देखो डाइवर्सिटीज खूब ढेर सारी हो रही तो मे बी पॉसिबल है कि ये जो क्या होते हैं एनेलिडा है ना, जो एनेलिडा है इससे दो ब्रांचेस बनी होंगी, एक आर्थ्रोपोड्स हुए होंगे फिर उनसे दूसरे क्या होते हैं डेवलप हुए होंगे, फिर मॉलस्क हुए होंगे और फिर उनसे आगे इकाइनोडर्म वगैरह बन के स्टॉप हो गए होंगे। बट हमको पता है कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड अगर फॉलो करें तो एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स के बाद मलस्क और उसके बाद इकाइनोडर्म, यही सीक्वेंस है। तो आपको भी दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, और जिसको याद करने में दिक्कत हो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, वो ऐसे लिख ले पी पी सी पी एन ए ए एन ए एम ई, इस तरह से शॉर्ट ट्रिक बना सकता है, पहले प्रोटोजोआ फिर पोरीफेरा फिर सीलेंट्रेट, अब ये जो प्लेटीहेलमिंथिस है इसके पहले अब आ जाता है टीनोफोरा एक नए क्लासिफिकेशन में पीपीसीसी है ना, तो टीनोफोरा या निडेरिया फिर प्लेटीहेलमिंथिस। अब प्लेटीहेलमिंथिस के बाद आपने देखा कि एनसीईआरटी में निमेटोड को हटा दिया गया, अब सीधे क्या होता है एस्कहेलमिंथिस एनेलिडा, तो यहीं पे अब एन की जगह यहाँ आ जाता है ट्रिपल ए, तो पी पी सी सी डबल पी डबल सी ट्रिपल ए, ठीक है, और ये हो जाता है मी। तो इस राइम को याद कर लेंगे तो आपका सीक्वेंस याद हो जाएगा, प्रोटोजोआ पोरीफेरा सीलेंट्रेट टीनोफोरा निडेरिया हो गया, उसके बाद एस्कहेलमिंथिस एनेलिडा ऑर्थोपोडा मलस्का इकाइनोडर्मेटा और फिर इसके बाद परम, है ना, ओके गुड बहुत अच्छे। तो इस सीक्वेंस को आप याद कर लेंगे आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है, पीपी सीसी और क्या बोलते हैं ट्रिपल ए फिर मी, तो एकदम सीक्वेंस में याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए तो नेरिस एन एक्वाटिक फॉर्म, अब ये डायोसियस होता है जबकि अर्थफॉर्म और लीचेस मोनोसियस होते हैं, तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। सेक्सुअल यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, नॉर्मली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एब्सेंट है, हाँ रीजेनरेशन जरूर देखने को मिलता है, वो भी सभी मेंबर्स में नहीं कुछ जगह, तो रीजेनरेशन रिपोर्ट किया गया है, पर रीजेनरेशन भी प्लेनेरिया जैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली आप डंके की चोट पे कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता ही है। एग्जांपल्स नेरिस फेराडाइमा पोस्थुमा हेरोडिनेरे ग्लोबोसा, इनके कॉमन नेम आपको पता ही, फेराडाइमा पोस्थुमा दैट इज अर्थवर्म एंड हेरोडिनेरे ग्लोबोसा दैट इज ब्लड सकिंग लीच। अब चलते हैं, ये एनसीईआरटी का कंटेंट कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं थोड़ा सा मॉडर्न कंसेप्ट, थोड़ा सा हाइयर कंसेप्ट, मॉडर्न क्या कहें इसको कहा जाए, थोड़ा हाइयर कंसेप्ट जिससे कि सीएसआईआर या पीजीटी टीजीटी इस तरह के जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए प्लस पॉइंट हो यहाँ पे। आइए चलिए डीप डिस्कशन करते हैं, और जो बच्चे ट्वेल्थ पास कर चुके हैं उनको भी देख लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर बीएससी वगैरह में एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए भी इक्वल बेनिफिशियल है, बीएससी एमएससी के स्टूडेंट इसे देख सकते हैं, उनके लिए बहुत फायदा होता है यहाँ से, और जो लोग सिविल एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर रहे हैं और उन्होंने जूलॉजी या बॉटनी रखा है वो बने रहें, जूलॉजी सीरीज खत्म करने के बाद मैं बॉटनी की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, नेम ऑफ द फाइलम एनेलिडा वाज फर्स्ट कॉइंड बाय लैमार्क फॉर द हायर सेगमेंटेड वर्म्स, ठीक है, तो किसने दिया पहली बार, लैमार्क ने दिया था, किसके लिए, जो वर्म्स थे उन्हीं के लिए दिया, यानी जो क्रमी थे उनके लिए ही दिया, बट हायर सेगमेंटेड वर्म्स के लिए जो थोड़े से हाई कैटेगरी के थे जिनमें डेवलपमेंट हो चुका था, और आपको पता ही है एनिलस जो ये लतीन वर्ड है उसकी वजह से इसको लिटिल रिंग कहा जाता है, एटस का मतलब फॉर्म होता है। तो आप देख रहे हैं अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द का अपना अपना मतलब होता है। इन जनरल एनेलिड्स आर इलोंगेटेड बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड एनिमल्स इन विच द ऑर्गन्स हैव ग्रुप्ड इनटू डेफिनेट सिस्टम, है ना, और इस तरह से इनके पास ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया है। भाई ये एक कदम ऊपर आ चुके हैं अपने पीछे वाले किसी भी फाइलम से, ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो यह समझ में, अपीयरेंस ऑफ मेटामेरिज्म यानी साफ साफ इसमें क्या बोलते हैं बॉडी पे आपको मार्क्स और डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिलते हैं। मेटामेरिज्म का डेवलप होना ही इवोल्यूशन को फास्ट बनाता है, यानी जो ह्यूमन बींग्स बने हैं
तो हमारी बॉडी में भी मेटामेरिज्म वगैरह साफ सुथरा देखने को मिलता है। सो अपेयरेंस ऑफ मेटामेरिज्म रिप्रेजेंट्स देयर ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट। मैंने कहा ना कि मेटामेरिज्म बॉडी में सेगमेंट्स का बनना ही बहुत बड़ा एडवांसमेंट माना जाता है। सेगमेंट डेवलपमेंट इसको कहा जाता है, सेगमेंट डेवलपमेंट। सेगमेंट डेवलपमेंट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट। एम आई क्लियर? ओके, सो दैट दे आर कॉल्ड सेगमेंटेड वर्म्स। दे आर कॉल्ड सेगमेंटेड वर्म्स इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द फ्लैट वर्म्स दैट इज प्लैटिहेल्मिंथेस एंड राउंड वर्म्स दैट इज एस्केल्मिंथ और यू कैन से द नेमेटोड्स, है ना, विच आर नॉट सेगमेंटेड। तो नीचे वाले जो वर्म्स थे प्लैटिहेल्मिंथेस और राउंड वर्म्स, ये सेगमेंटेड नहीं थे। ओके, appendages, they are paired appendages. समय के लिए मेरी आवाज जा रही है? Okay, their paired appendages when present are never jointed. Their coelom, nephridia and cephalization. Cephalization का मतलब head का बनना, head का develop होना, बनना, develop होना या बनना, ठीक है? तो ठीक है, good, मेरी voice वगैरह एकदम clear है। तो हेड का डेवलप होना ही सिफिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है? और नेफ्रिडिया आपको पता ही है, ये एक्सक्रीशन में काम आता है। तो आप देख रहे हैं एडवांसमेंट का लेवल बढ़ता जा रहा, सो मेनी एडवांस कैरेक्टर्स आर देयर, ठीक है? देयर सिलोम, नेफ्रिडिया, सिफिलाइजेशन आर बेटर डेवलप्ड देन दोज ऑफ द अनसेगमेंटेड वर्म्स, यानी प्लैटिहेल्मिंथेस और एस्केल्मिंथेस, नेमेटोड से तो बहुत 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 ज्यादा ये अलग होने शुरू हो जाते हैं। और यहीं से फिर आप कह सकते हैं कि मॉडर्न डे लाइफ शुरू हो जाती है। हालांकि प्रिमिटिव लाइफ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, हमें बीमार करती रहती है किसी न किसी रूप में। जब जीनस की अभी हम बात करेंगे, पहले हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम को फिनिश कर लें, फिर उसके बाद पर्टिकुलर जीनस पे भी आएंगे। और मैं कोशिश करूंगा 10 से 15 दिन में यह सारा मैटर आपको मैं प्रोवाइड कर दूं, पूरी की पूरी लोअर जूलॉजी, है ना, पूरी की पूरी। थोड़ा सा कभी कभी हेल्थ इश्यू हो जाता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ दे आर फर्स्ट एनिमल्स, नोट करने वाली बात है, दे आर फर्स्ट एनिमल्स टू हैव क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम, है ना। आपने एनसीईआरटी में भी देखा कि वहां पे भी क्लोज्ड क्या होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हुई थी, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हुई थी, है ना। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक बहुत, क्योंकि ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है ना कि बहुत एडवांस कैरेक्टर है। आप देखेंगे कि फिर से क्या होते हैं, जैसे ही ऑर्थोपोड्स वगैरह में जाएंगे फिर से ये थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, है ना, रेट्रोग्रेसिव अप्रोच हो जाता है, वहां पे क्लोज्ड वाला फिर से ओपन हो जाता है। फिर हायर एनिमल्स में आएंगे धीरे धीरे, है ना, मछलियों तक आना शुरू करेंगे तो फिर देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम फिर क्लोज होना शुरू हो जा रहा है। तो ये जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम अपीयर होता है यहाँ पे ना, ये बहुत बड़ा एडवांस फीचर माना जाता है, प्लीज इसलिए इसको नोट ही कर लीजिए, याद कर लेंगे, मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। नर्वस सिस्टम इज वेरी वेरी फंडामेंटल। नर्वस सिस्टम फंडामेंटली सिमिलर टू दैट ऑफ ऑर्थोपोड्स एंड एम्ब्रियोलॉजी इज आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू द मलस्क, है ना। तो दोनों के कैरेक्टर्स यहाँ पे आपको इजिली देखने को मिलते हैं। अब हम जनरल कैरेक्टर्स की बात कर लें, है ना, कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं। तो अब ये थोड़ा सा जो पीछे वाला कैरेक्टर्स आपने एनसीईआरटी पढ़े उससे थोड़े से हम हट के थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं, हायर लेवल के लिए पढ़ना है। मोस्टली एक्वाटिक होंगे, कुछ टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वाटिक में फ्रेश वाटर मरीन दोनों हो सकते हैं, आपने देखा। बरोइंग यानी गड्ढा बना के, छेद बना के उसके अंदर घुस जाते हैं, रहते हैं। आपने केचुए को देखा होगा, अर्थवर्म को देखा होगा अंदर जाते हुए। और ट्यूबिकुलस, बर्विंग या ट्यूबिकुलस हो सकते हैं। सम कॉमेंसल एंड पैरासाइट, कुछ कॉमेंसल फॉर्म में रह सकते हैं और कुछ पैरासाइट के फॉर्म में भी रह सकते हैं। बॉडी इलोंगेटेड, बाइलेटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रूली सिलोमेट, ट्रूली सिलोमेट, यहाँ पे कोई
सूडो या ए सिलोमेट की कंडीशन नहीं कि ट्रूली सिलोमेट मेटामेरिकली सेगमेंटेड इनटू सिमिलर मेटामर्स है ना एन्यूल्स रिंग्स बनाते हैं। एपिडर्मिस ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ कॉलिमर एपिथेलियम सेल्स कवर्ड एक्सटर्नली बाय अ थिन क्यूटिकल एंड दिस क्यूटिकल इज नॉट मेड अप ऑफ काइटिन, प्लीज याद कर लीजिए। अर्थवॉर्म में काइटिन नहीं मिलेगा, याद रखेंगे, लेकिन जैसे ही आप अर्थ्रोपोड में जाएंगे वहां पे जो बाहर की थिन क्यूटिकल लेयर है वहां काइटिन आ जाता है, इवन एक्सोस्केलेटन में उनकी काइटिन प्रेजेंट हो जाता है। सो ये नोट कर लेंगे एडवांसमेंट के साथ साथ कि यहाँ पे काइटिन जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा क्यूटिकल की कवरिंग में। बॉडी वॉल डर्मोवेस्कुलर आउटर मसल फाइबर्स इनर लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर सेगमेंटली रिपीटेड काइटिनस ब्रिसल्स, ठीक है, लोकोमोशन के लिए यहाँ पे काइटिनस ब्रिसल्स जरूर होते हैं, काइटिनस ब्रिसल्स आपको देखने को मिलते हैं, ओके ठीक है, लेकिन जो क्यूटिकल होते हैं उसमें काइटिन नहीं होता है। एंड दे आर कॉल्ड सीटी, ठीक है, सीटा, इनको सीटा कहा जाता है वैसे, सो दीज आर सीटा, और कई बार सी एच ए टी, यहां पे देख रहे हैं ये जो नाम लिखा हुआ है सी एच ए टी की टी या सी टी, इसी के नाम पे कई क्लासेस बन जाते हैं फिर बाद में, पॉलीकिटी वगैरह, यानी जिनके बहुत सारे रिंग बने हों। खैर अभी क्लासिफिकेशन में आपको समझ में आ जाएगा कि लोकोमोशन वाले के नाम से आपने कैसे क्लासेस बना दिए, ठीक है। एंड दीज आर एम्बेडेड इन द स्किन्स, मे बी बॉर्न बाय लेटरल फ्लश अपेंडेजेस और पैरापोडिया, हमें क्लियर। नाउ सीलोम बिल्कुल ट्रू होता है और सीजोसीलोम होता है, ठीक है, सीलोम ट्रू होता है लेकिन सीजोसीलोम होता है, मोस्टली वेल डेवलप्ड एक्सेप्ट लीचेस, जोंक को छोड़ दीजिए तो यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया, इसलिए जोंक को जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है, एक्सेप्ट लीचेस। तो अगर जोंक को छोड़ दीजिए तो सब जगह सीलोम बहुत अच्छे से डेवलप होता है और सीजोसील, यूजुअली डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स बाय ट्रांसवर्स सेप्टा, सीलोमिक फ्लूड विद सेल्स एंड कार्पसल्स। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेट होगा, कंप्लीट होगा, डाइजेशन एंटायरली एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, इंट्रा सेलुलर कहीं से भी नहीं होगा। तो एक और एडवांसमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, बॉडी सॉरी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड, ये हमने कई बार पढ़ लिया है इसलिए अब लग रहा है कि रिपीट हो रहा है, ओके। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नोट कर लीजिए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आइदर हीमोग्लोबिन और एरिथ्रोक्रेन, ये याद रखेंगे, यानी इनका ब्लड जो होगा वो नॉर्मली रेड कलर का भी दिखता है, और आप केचुए को आपने देखा होगा अर्थवॉर्म को रेड दिखता है। तो अब आप देख सकते हैं ना कि ये पिगमेंट के मामले में ब्लड में जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो भी हाई इवॉल्व्ड ब्लड सिस्टम है, आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही बेसिक फाउंडेशन है मॉडर्न लाइफ का, क्योंकि ह्यूमन बींग में भी पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन या इसके अलावा एरिथ्रोक्रोरिन, ठीक है, एरिथ्रोक्रोरिन। तो हीमोग्लोबिन या एरिथ्रोक्रोरिन ये इसके ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं, प्लीज दोनों को लिख जरूर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे मैंने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अलग से वीडियो बनाए हैं, आप चाहें तो फिजियोलॉजी एनिमल की वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन by moist skin or gills of parapodia and head. Excretory system consists of metamerically disposed coiled tubes and these are called nephridia. तो यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा advanced system develop हो जाता है nephridia, जो excretory system की तरह work करता है। Nervous system उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, लेकिन अ पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया, जिसको कि ब्रेन की तरह मान लेते हैं, इट दिस इज नॉट एग्जैक्टली ब्रेन, ठीक है, एंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बियरिंग गैंग्लिया एंड लेटरल नर्व इन ईच सेगमेंट। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया। सेंसरी ऑर्गन्स, यहाँ पे टैक्टाइल ऑर्गन होते हैं, टेस्ट बड होते हैं, स्टेटोसिस्ट, फोटोरिसेप्टर सेल्स एंड समटाइम्स आईज विद लेंसेज इन सम। तो यहाँ पे आपने देखा कि सेंसरी ऑर्गन्स में भी काफ़ी एडवांसमेंट आ गया। तो
आप समझ गए होंगे कि एनेलिडा अपने पीछे वाले वर्म कैटेगरीज से क्यों इतना ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। बहुत 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 सारे मॉर्फोलॉजिकल एडवांसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, मोस्टली दे आर हर्मोफ्रोडाइटिक। अब हर्मोफ्रोडाइटिक में पिछले लेक्चर में बता चुका था कि जहाँ एक ही बॉडी में मेल प्लस फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट हो, मेल और फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, तो हर्मोफ्रोडाइटिक नेचर के हो जाते हैं। और इनके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी मिलेंगे जिसमें मेल और फीमेल अलग भी होगा। सो नॉर्मली दे आर हर्मोफ्रोडाइटिक, बट सेक्सेस सेपरेट, क्लीवेज इनका स्पाइरल होगा एंड डिटर्मिनेट टाइप का होगा। लार्वा की बात कर लें, अगर ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है कि लार्वा यहाँ होगा तो टिपिकली ट्रोकोफोर लार्वा होगा, प्लीज नोट कर लीजिए। अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट हो रहा है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर इनडायरेक्ट हो रहा है यानी लार्वल स्टेज को इंक्लूड कर रहा है, तो लार्वल स्टेज यहां पे लार्वा कौन होगा भाई? ट्रोकोफोर होगा। कौन होगा? ट्रोकोफोर लार्वा होगा। कौन होगा? ट्रोकोफोर लार्वा होगा। प्लीज लिख दीजिए, एनेलिडा का लार्वा कौन? मैसेज करिए, एनेलिडा का लार्वा कौन? तो आपको पता है कौन, इसका नाम लिख दीजिए, बस टाइप कर दीजिए मैसेज में फटाक से। ठीक है, रीजेनरेशन कॉमन है बट बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात कर लीजिए। ठीक है, आइए क्लासिफिकेशन सिस्टम पे आ जाते हैं। अबाउट 8,700 नॉन स्पीसीज ऑफ एनेलिडा आर डिवाइडेड इनटू फोर मेन क्लासेस। तो इनकी चार मेन क्लासेस होती हैं, प्राइमरली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पैरापोडिया। देखिए इनकी क्या होते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा। बिल्कुल अंबिका, बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एग्जैक्टली, फाइन। अब देखिए इनका जो क्या होते हैं क्लासिफिकेशन हो रहा है वो मेनली किस पे बेस्ड होता है, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ पैरापोडिया, सीटी, मेटामर्स एंड सम अदर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, है ना। यानी नॉर्मली जो बाहर से अपीयरेंस हो रहा है उसके हिसाब से कौन कौन सी चीजें बन रही हैं, इनको हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं। सो पहला क्लास जो आता है पॉलीकीटी। मैंने कहा था कि कीटी वर्ड याद रखिएगा या सीटी वर्ड, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्लासिफिकेशन में कैसे मदद कर रहे हैं। तो पहला आता है पॉलीकीटी। पॉली मतलब मेनी, आपको पता ही है, एंड कीटी मीन्स हेयर। तो यहाँ पे जो क्या होते हैं अपेंडेजेस होंगे वो लगेगा कि जैसे खूब ढेर सारे हैं, तो कुछ उस तरह के पॉलीकीटी आ जाएंगे। सो दे आर चीफली मैराइन, सम इन फ्रेश वाटर, सेगमेंटेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों भी हो सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, हेड डिस्टिंक्ट विद आईज। हेड यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरा अलग एक हेड पोर्शन दिखेगा जिसमें आईज भी दिखेंगी, है ना। पल्प्स एंड टेंटिकल्स ये भी देखने को मिलेंगे। सीटी न्यूमरस, पॉइंट नंबर फोर, सीटी बहुत सारे होंगे, न्यूमरस, और न्यूमरस की वजह से ही हो जाता है पॉलीसिटी, है ना, पॉलीकिटी कहते हैं। सोनाक्षी गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस वजह से इसको पॉलीकिटी कहते हैं, बहुत सारे सीटी होने की वजह से। ओके, पॉलीकिटी में ये रखा जाता है। एंड दे आर प्रेजेंट ऑन लैटरल पैरापोडिया। ओके, क्लाइटेलम यहाँ पे एब्सेंट होता है जो कि आप अर्थफॉर्म में देखते हैं, बट यहाँ पे एब्सेंट है। पॉलीकिटी में क्लाइटेलम एब्सेंट रहेगा। सेक्सेस सेपरेट है, गोनेड टेम्पररी एंड इन मेनी सेगमेंट्स। ट्रोकोफोर लार्वा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये याद रखेंगे। तो कुछ चीज़ें फिर से मॉडिफाई हो गई जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, जैसे क्लाइटेलम, क्लाइटेलम यहाँ पे एब्सेंट रहेगा लेकिन ट्रोकोफोर प्रेजेंट रहेगा। एम आई क्लियर? अब इस क्लास को दो हाइपोथेटिकल सब क्लास में बांट लिया जाता है, हायर क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अटेम्प्ट्स टू अरेंज फैमिलीज इन ऑर्डर हैज नॉट प्रूवन सेटिस्फैक्टरी। यानी वही है, मैंने आपको बताया कि टैक्सोनॉमी एक ऐसी चीज है, है ना, टैक्सोनॉमिक जो क्या होते हैं क्लासिफिकेशन, ये बंटवारा वगैरह होता रहता है। दिस इज चेंज्ड, ये हमेशा चेंजिंग नेचर का होता है, हमेशा एवर चेंजिंग, ये मतलब एवर चेंजिंग आप कह सकते हैं।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हमारी स्टडीज बढ़ती हैं, जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती है, वैसे वैसे मॉडिफिकेशन होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि अच्छा, पिछला वाला थोड़ा सा गड़बड़ था, थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। फिर हमें पता चलता है नहीं नहीं ये वाला भी थोड़ा सा गड़बड़ था, थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं। एंड सो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन विल बी देयर, है ना। जैसे प्लांट्स के क्लासिफिकेशन सिस्टम में देखिए तो पहले आर्टिफिशियल सिस्टम यूज होता था, जो कि क्या कहते हैं अब कैरोलस लिनियस वगैरह थोड़े बहुत कैरेक्टर्स लेते थे। फिर पता चला नहीं ये तो गड़बड़ है यार, इसमें बहुत सारी क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज भी दूर हो जाती हैं। फिर इनसे डेवलप हो गया तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, है ना, बेंथम, हुकर एंड और ये सब आए। फिर तो इन लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया, तो देखा कि ये ज़्यादा अच्छा है। फिर बाद में फाइलोजेनेटिक स्टडीज होने लगी, पता चला ये और भी अच्छा है। फिर जीन की पर्टिकुलर स्टडी होने लगी, पता चला यार अब तो पूरी की पूरी डीएनए प्रोफाइलिंग ही कर दी जा रही है। कीमोटेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, बहुत सारे टेक्सोनॉमी डेवलप हो जाती है। तो इसी तरह से आप समझ लीजिए कि एनिमल्स में भी तो भाई इसी तरह के डेवलपमेंट होंगे। डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने अपना काम करना शुरू किया होगा, कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया होगा, एंड दैट्स वाई द क्या बोलते हैं सिस्टम्स विल बी चेंज्ड। सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा है अटेम्प्ट्स टू अरेंज द फैमिलीज इन टू द ऑर्डर्स हैव नॉट बीन वेरी वेरी प्रूव्ड सेटिस्फैक्ट्री। इट इज यूजली देयर फॉर डिवाइडेड पॉलीकिटी इन टू टू सब क्लासेज, दैट इज इरेंशिया एंड सेडेनेटेरिया। इरेंशिया आपको देख पा रहे हैं, इरेंशिया एंड सेडेनेटेरिया। बट आफ्टर फोवेल, हाउ एवर, ठीक है, ये फोवेल ने किया था। किसने किया था? ये फोवेल ने किया था 1959 में। लेकिन बाद में डैब आए 1963 में, इन्होंने कहा नहीं ये आर्टिफिशियल सब डिविजन है, ये सही नहीं है, ये नेचुरल नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी फिलहाल यहाँ पे फोवेल की क्लासिफिकेशन को माना जाता है, और इस वाले क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम फोवेल को लेके चलेंगे क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आता है। तो पहला सब क्लास है इरेंशिया, पहला सब क्लास है इरेंशिया। अब इसके ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को देख लीजिए, क्यों अलग किया गया, है ना, सब क्लास में क्यों बांट लिया गया। फ्री स्विमिंग होंगे, क्रॉलिंग होंगे, बर्विंग होंगे, ट्यूब ड्वेलिंग हो सकते हैं, प्रेडेटरी पॉलीकिट्स हो सकते हैं, सेगमेंट्स न्यूमरस होंगे, खूब सारे होंगे, सिमिलर भी हो सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द हेड एंड एनल रीजन, हेड और एनल रीजन को छोड़ दीजिए। प्रोस्टोमियम डिस्टिंक्ट विद द सेंसरी स्ट्रक्चर, पैरापोडिया विद एसिकुला एंड कंपाउंड सीटी, फैरिंग्स प्रोट्रूजिबल एनलार्ज्ड एंड यूजुअली विद जॉज एंड टीथ, इनमें जॉज और टीथ प्रेजेंट हैं। एग्जांपल सी माउस, दैट इज एफ्रोडिट, बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है, आपको पता है ना, कुछ इस तरह का दिखता है ऐसा, और इस पर खूब ढेर सारे ऐसे साइड साइड में ऐसे हेयर होते हैं, ऐसे इसकी पूरी बॉडी पे होते हैं। सी माउस, ओके, दैट इज एफ्रोडाइट, एंड देन पॉलिनोई, देन फाइलोडोस, देन टोमोप्टेरिस, देन साइलिस, नेरिस, ये सारे के सारे कहाँ रखे गए, इरेंशिया में, ठीक है। देन ग्लाइसेरा, यूनाइस, डायोप्टेरा, देन आप देख रहे हैं हिस्ट्रियोडेला, हिस्ट्रियोडेला। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। अब सेकंड सब क्लास देखेंगे तो आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा। आइए सब क्लास टू की बात कर लें, सेडेंटेरिया। नाम देखते रहिए, सेडेंटरी है ये, कैसा है, सेडेंटेरिया से बना है, सेडेंटरी, सेडेंटरी पॉलीकिड्स, पहला ही कैरेक्टर सेडेंटेरिया में, सेडेंटरी पॉलीकिड्स लिविंग इन बरोज एंड ट्यूब्स, यानी ये बरोज और ट्यूब में ही रहते हैं, वहीं रहते हैं, सेडेंटरी टाइप के हैं, ज़्यादा हिलते डुलते बाहर निकलते विकलते नहीं है, बहुत कम अपना फंक्शन करते हैं, नॉर्मली ये बरो में या ट्यूब में रहना ही पसंद करते हैं। तो इरेंशिया से इसीलिए ये क्या हो गया, इरेंशिया में देखिए कैसे थे, फ्री स्विमिंग थे, ये कैसे थे, फ्री स्विमिंग थे। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, इरेंशिया में कैसे थे, ये फ्री स्विमिंग थे, लेकिन सेडेंटेरिया में क्या है, ये सेडेंटरी हैं, ये भी पॉलीकीट हैं बट सेडेंटरी हैं, बरो में रहना पसंद करते हैं। ओके, ऐसे डिस्कवरी चैनल पे मैंने देखा था, तो मुझे भी क्या है कि
मैंने कभी समुद्र में जाके या ऐसे जगह पे तो देखा नहीं था, तो मैंने एक बार डिस्कवरी चैनल पे देखा कि अच्छा सेडेंटेरिया और इरेंशिया में क्या डिफरेंस है। तो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री आ रही थी, वहाँ मैंने देखा, तब मुझे पता चला अच्छा ये बरो बनाते हैं ऐसे यू शेप्ड या ऐसा कुछ बनाते हैं, वहीं रह जाते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं। तब समझ में आया कि अच्छा ये डिफरेंस होता है। खैर वो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस से आप भी सीख लीजिए और फ्यूचर में कभी आप भी देख लीजिएगा, है ना। बॉडी मेड ऑफ टू और मोर रीजन्स विद डिससिमिलर सेगमेंट्स एंड पैरापोडियम, प्रोस्टोमियम स्मॉल होगा, नो एसिकुला, कंपाउंड सीटी, ओके, फेरिंग्स विदाउट जॉज एंड टीथ। तो यहाँ पे टीथ और जॉज ये बिल्कुल चेंज हो गए, एकदम से डिफरेंट हो गए। तो मेरे ख्याल से अब आपको दिक्कत नहीं हो रही, आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स केटोटेरस, एरेनिकोला, ओवेनिया, सबेला, सबेलारिया, टेरेबेला, एम्फिट्राइट, देन पमेटोसेरॉस, स्पैरोरॉब्स, स्पैरोरॉबिस एंड देन सर्प्यूला। ओके माय क्लियर, गुड। आगे बढ़ते हैं, क्लास नंबर टू, ऑलिगोकेटी। अब देखिए पॉली था, पॉली का मतलब खूब ढेर सारा, एंड देन आ जाता है ऑलिगो, ऑलिगो का मतलब थोड़े से, फ्यू। तो आप देख रहे हैं कि चलने फिरने वाली जो क्या होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स हुआ करती है ना, जिसको कि आप कीटी कहते थे या सीटी कहते थे, इसके हिसाब से, इसके प्रेजेंट होने एब्सेंट होने के हिसाब से भी हम क्या कर रहे हैं, क्लासेस बांट ले रहे हैं। एग्जैक्टली, तो मेरी बात अब आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो ऑलिगोकेटी क्लास की बात कर लेते हैं। ऑलिगोज मीन्स फ्यू एंड केटी मीन्स हेयर। तो फ्यू हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट फॉर द लोकोमोशन, दैट विल बी प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर क्लास, मोस्टली टेरेस्ट्रियल, सम इन फ्रेश वाटर, सेगमेंटेशन एक्सटर्नल एंड इंटरनल, हेड इन डिस्टिंक्ट। अब इसके पहले हेड बहुत अच्छा दिखता था पॉलीकिटी में, ऑलिगोकिटी में हेड क्या हो गया, इन डिस्टिंक्ट हो गया एंड विदाउट सेंसरी ऑर्गन्स। ये आप देख पा रहे हैं, पॉलीकिटी में हेड बहुत साफ सुथरा दिखता था और साथ ही साथ वहां पे सेंसरी ऑर्गन थे, लेकिन यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स क्या हो गए, गायब हो गए हेड में से। सीटी फ्यू एम्बेडेड इन द स्किन, पैरापोडिया पूरी तरह से यहाँ एबसेंट होगा। तो ऑलिगोकिडी में पैरापोडिया हो गया एबसेंट, एब्सोल्यूटली हो गया एबसेंट। मेरे ख्याल से आपको डिफरेंस एकदम क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्लैंडुलर क्लाइटेलम प्रेजेंट, और ये क्लाइटेलम पॉलीकिटी में एबसेंट था। डिफरेंसेस समझ रहे हैं ना आप, ऑलिगोकिटी में ग्लैंडुलर क्लाइटेलम प्रेजेंट है, कोकून फॉर्मेशन करता है ना, कोकून यानी बूची, मतलब छोटे बच्चे इनके जो होंगे कोकून है ना, उनको क्या बोलेंगे आप, उनको आप बोलेंगे कोकून फॉर्मेशन करना, ठीक है, यानी एक्स को एक जगह इकट्ठा करके उनको हैचिंग करने की कंडीशन वाली जो स्टेटस आती है कोकून, उसी में फिर उनका डेवलपमेंट होता है। तो कोकून फॉर्मेशन करता है, और कैसा है भाई क्लाइटेलम, ग्लैंडुलर है, ठीक है। तो ऑलिगो में डिफरेंसेस आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, हर्माफ्रोडाइटिक होंगे, टेस्टिस एंटीरियर टू द ओवरी होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा इन द कुकून, ठीक है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, यहाँ कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होगी। जबकि पॉलीकिटी में साफ साफ आपने देखा था कि ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता था, जबकि यहाँ पे लार्वल स्टेज बिल्कुल नहीं होगी ऑलिगोकिटी में, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा और कोई लार्वल स्टेजेस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगी। एम आई क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर वन, ऑर्डर वन है प्लेजियोपोरा या प्लेजियोथीकेटा अभी कहते हैं, मोस्टली ये एक्वाटिक होंगे, मेल गोनोपोर्स ऑन द सेगमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग दैट विच कंटेन टेस्टिस, स्पर्मथीका इन द टेस्टिस कंटेनिंग सेगमेंट्स और नियर बाय। एग्जाम्पल्स अगर इनके आप देख लीजिए तो एलोसोमा, नाइस, डेरो, देन नीचे वाला दिख पा रहा है आपको, नहीं दिख पा रहा हो तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, सी एच ए ई कीटो गैस्टर,
ठीक है, कीटो गैस्टर, CHAETO GASTER, कीटो गैस्टर। और एक एग्जांपल है यहाँ पे ट्यूबी, ओके, ट्यूबी फैक्स, TUBIFEX, ट्यूबी फैक्स, ओके। केपी प्रियम, गुड मॉर्निंग। सो आई थिंक नाउ द ऑर्डर वन इज क्लियर टू यू, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए ओलिगो किटी के ऑर्डर नंबर टू पे चलते हैं। ऑर्डर नंबर टू को प्लियोस्पोरा कहते हैं। देखिए ऑर्डर नंबर वन प्लियोस्पोरा, प्लीजियोपोरा, प्लीजियोथिकेटा था, लेकिन ऑर्डर नंबर टू में प्लीजियोपोरा प्रोसोथिकेटा है। ये क्या है बेटा? प्रोसोथिकेटा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आप देखते रहेंगे, प्रोसोथिकेटा है, ठीक है, और वहां पे बिल्कुल अलग था, वो प्लीजियोथिकेटा था। तो प्रोसोथिकेटा एंड प्लीजियोथिकेटा का डिफरेंस आप देखते रहेंगे। नहीं तो प्लीजियोपोरा तो दोनों ही है ना, दोनों ऑर्डर को आप प्लीजियोपोरा ही कॉमनली बोलते हैं। सो प्लीजियोपोरा प्रोसोथिकेटा, हियर स्पर्म थीका फार एंटीरियरली टू द सेगमेंट कंटेनिंग टेस्टिस। सो वहां पे स्पर्म थीका बिल्कुल नजदीक था, और यहाँ पे एंटीरियर पोजिशन पे, मतलब आगे वाला एंटीरियर ही है, फॉरवर्ड ये बट थोड़ा सा दूर होगा, और सेगमेंट इसके जो होंगे टेस्टिस कंटेन करते हैं। एग्जाम्पल एनकाइट्रियस, ठीक है, एनकाइट्रियस, ठीक है। ऑर्डर नंबर थ्री पे आ जाइए, दैट इज प्रोसोपोरा, मोस्टली एक्वाटिक मेल गोनोपर ऑन द, देखिए प्रोसो है ना, प्रोसो, ठीक है, इसलिए प्रोसो वर्ड को आप देखेंगे, पोरा तो है लेकिन कौन सा है, प्रोसो है। तो यहां पे आप समझिए, मेल गोनोपोर ऑन द सेम सेगमेंट कंटेनिंग टेस्टिस, सेम सेगमेंट कंटेनिंग टेस्टिस, ये समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया आपके लिए? प्रोसो। ये क्या हो गया? प्रोसो। दैट्स वाई दिस इज द ऑर्डर प्रोसोपोरा, कि मेल गोनोपोर, मेल गोनो, भाई प्रोसोपोरा है पोर, है ना, तो गोनोपोर है लेकिन कैसा, प्रोसोपोर है। सो मेल गोनोपोर ऑन द सेम सेगमेंट कंटेनिंग टेस्टिस, और ऑन सेगमेंट कंटेनिंग द सेकेंड पेयर ऑफ टेस्टिस, तो इसीलिए यहां पे प्रोसोपोरा है। वैसे सेम सेगमेंट पे ये जो मेन कैरेक्टर है वो सेम सेगमेंट से लिया गया है, गोनोपोर, और सेम सेगमेंट पे टेस्टिस है, इसलिए इसको प्रोसोपोरा कहते हैं, ठीक। एग्जांपल, एक पैरासिटिक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, दैट इज ब्रैंकियोबडेला, दैट इज व्हाट, ब्रैंकियोबडेला, ओके। नाउ ऑर्डर नंबर फोर, अब यहां पर क्या है, ऑफिस्थोपोरा, दिस इज व्हाट, ऑपिस्थोफोरा, मोस्टली टेरेस्ट्रियल अर्थवॉर्म्स, मोस्टली टेरेस्ट्रियल अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स बिलोंग्स टू द ओलिगेटी एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन, दैट इज ऑपिस्थोफोरा ऑर्डर, ओलिगोकेटी, ओलिगोकेटी क्लास, क्लास इज द ओलिगोकेटी, वेयर इज द ऑर्डर इज व्हाट, ऑपिस्थोफोरा, ओके। नाउ मेल गोनोपोर some distance behind the testis containing the segment, in class 11th what I have studied about this particular differentiation on segments in the pheromone of posthuma, earthworm mein aap logo ne isko bahut acche se padha hai, hai na? So isi second wale ko yahan pe highlight kiya gaya hai, ki male gonopore some distance behind the testis containing the segments, this is the basic feature for opisthophora, ठीक है, ऑफिस तो पोरा। एग्जांपल्स लुम्ब्रिकस, इजेनिया, फेरेटाइमा, दैट व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 11th आल्सो, ओके, फेरेटाइमा, मेगास्कोलेक्स, देन एलो, एलोलोफोरा, एलोलोबोफोरा, एंड देन डेंड्रोबीना, डेंड्रोबीना। अब यहां पे एक छोटा सा मतलब डिफरेंशिएशन आता है, ये पहले ऐड नहीं था क्लासिफिकेशन में, बाद में इसको ऐड किया गया, इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड लिखा है, कीटोपोडा। अब कीटोपोडा का क्या मतलब है? देखिए कीटो का मतलब फिर वही है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, फाइन स्ट्रक्चर्स, एंड पोडा मीन्स लेग, दैट इज फुट, ओके, इट इज व्हाट, लेग और फुट यू कैन से। सो जो कीटोपोडा होते हैं इज अ सुपर ग्रुप विच इंक्लूड बोथ polykitty as well as oligokitty,
है ना, इट इज अ सुपर ग्रुप, लेकिन इसका कोई टैक्सोनॉमिक पोजिशन नहीं दिया होगा, ठीक है। विदाउट, यू मस्ट नोट दिस दैट इट इज विदाउट विदाउट टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है, हायरार्की और यू कैन से पोजिशन। तो बिना किसी टैक्सोनॉमिक हायरार्की या पोजिशन, यानी इसको कोई पर्टिकुलर टैक्सोन में कीटोपोडा को नहीं रखा गया, बस एक सुपर ग्रुप का नाम दे दिया गया है। एम आई क्लियर, याद रहेगा। तो पॉलीकिटी एंड ओलिगोकिटी, पॉलीकिटी एंड ओलिगोकिटी, इन दोनों को कहां रखा गया, कहां रखा जाता है इसको, पॉलीकिटी एंड ओलिगोकिटी को कहां रखा गया, यस टेल मी कहां रखा गया, ठीक है। पढ़ते हैं पॉलीकिटी और ओलिगोकिटी में ये इंक्लूड होते हैं। दिस क्रिएशन इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बोथ क्लासेस आर प्रोवाइडेड विद द सीटी, ठीक है, दोनों में ही सीटी प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाइए क्लास थर्ड वाले क्लास में, तीसरे क्लास में आती है हिरुडिनी, हिरुडिनी, ठीक है। तो ये हिरोडू से बना है, लैटिन वर्ड दैट इज लीच, ओके। हिरुडिनेरिया ग्लोबोसा इसके एग्जाम्पल्स में से एक होगा, आपको पता ही है। इसके पहले हम कुछ कैरेक्टर्स को पढ़ लेते हैं, फिर आगे फर्दर पढ़ते हैं। फ्रेश वाटर मरीन टेरेस्ट्रियल जनरली एक्टोपैरासाइट ब्लड सकिंग कार्निवोरस, दे आर व्हाट, कार्निवोरस और ब्लड सकिंग बॉडी विद फ्लेक्स्ड नंबर ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट अप टू 33, ईच सेगमेंट सब डिवाइडेड एक्सटर्नली इनटू एनुलाई एंड ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ पर्टिकुलर एनुलाई दे आर व्हाट, एनालिड। सेगमेंटेशन एक्सटर्नल, सेगमेंटेशन एक्सटर्नल विदाउट इंटरनल सेप्टा, बाहर सेगमेंटेशन बहुत अच्छा दिख रहा है बट अंदर से उतना सेगमेंटेशन नहीं है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि एनेलिडा में एक चीज और भी आती है कि इंटरनल सेगमेंटेशन अभी बहुत ज्यादा नहीं होता है, हाँ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। पैरापोडिया एंड सिटी बोथ आर एबसेंट, अभी तक पॉली एंड ओलिगो दोनों में प्रेजेंट होते थे, ये दोनों क्लास में प्रेजेंट होते थे, लेकिन क्लास थ्री एंड क्लास फोर, चार क्लासेस हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉर्मली पैरापोडिया एंड सिटी एबसेंट है, तो हिरुडिनी में एबसेंट होंगे। बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स ऑफ द बॉडी विद सकर्स, दोनों ही एंड पे पोस्टीरियर एंटीरियर मतलब आगे और पीछे, एंटीरियर मतलब आगे पोस्टीरियर मतलब पीछे, दोनों तरफ सकर्स प्रेजेंट होते हैं। सीलोम मच रिड्यूस्ड ड्यू टू इट्स फिलिंग विद बट्राइडियल टिश्यू, प्लीज नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, वट एवर यू आर प्रिपेरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दैट सीलोम इज मच रिड्यूस्ड एंड वाई इट इज मच रिड्यूस्ड, ड्यू टू इट्स फिलिंग बाई बट्राइडल टिश्यू, वट बट्राइडल टिश्यू एंड फॉर्म्स होमोसिलोमिक साइनस, एंड इट फॉर्म्स होमोसिलोमिक साइनस। नाउ The very next one is what? Hermaphroditic with one male and one female gonopore. They are hermaphroditic and their body bears one male and one female gonopore. Fertilization is internal here, 100% internal. Okay, development in cocoons direct without larval stages. So, yahan pe cocoon jaisa formation hoga, ye yaad rakhenge. ना कोकून्स एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एग्स का खूब सारा क्लस्टर ऐसे इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे हैचिंग वगैरह हो जाती है, बट जब ये हैच हो जाते हैं तो ये एग डायरेक्टली एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, कहाँ भाई साहब, एडल्ट में, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दे डायरेक्टली कन्वर्ट इंटू एडल्ट वन। सो यू कैन सी दैट नो लार्वल स्टेजेस विल बी हेयर, ओके। नाउ ऑर्डर वन, ओके, मूव टू दिस ऑर्डर वन, Acanthop delida, okay? They are very, very primitive, without anterior sucker. अभी आपने देखा कि क्लास थ्री हिरुडिनी की एक खास बात थी, और वो खास बात ये थी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड में सकर प्रेजेंट होते हैं, बट ऑर्डर नंबर वन आप देख रहे हैं एकेंथो, ठीक है। Acanthop delida में क्या होगा, ये प्रिमिटिव टाइप के होंगे, एंटीरियर सकर एबसेंट होगा, बेटा क्या होगा, एंटीरियर सकर विल बी एबसेंट हियर, प्रोबोसिस
विदाउट एंटीरियर सकर, प्रोबोसिस एंड जॉज। तो यहाँ पे एंटीरियर सकर भी नहीं होगा, प्रोबोसिस भी नहीं होगा और जॉज भी नहीं होंगे। तो बहुत ढेर सारे प्रिमिटिव फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सीटी प्रेजेंट होगा, जबकि आपने देखा कि ऑर्डर हिरुडिनी में पैरापोडिया और सीटी दोनों क्या होते हैं, दोनों एब्सेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्डर रखा गया, यहाँ पे सीटी हैं विद 5 anterior segments। तो ऐसा नहीं कि 100% ये गायब हो गया है। देखो, जब भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की वजह से ही हम क्लासिफिकेशन करते हैं, टैक्सोनॉमिक पोजीशन लिखते हैं। तो भाई अचानक से कोई चीज़ तो बन नहीं गई होगी, बीच में कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा, कहीं ना कहीं से डेवलप हुए होंगे। इसीलिए ये जो आप ऑर्डर देख रहे हैं वन, इसमें कुछ कैरेक्टर्स आपको पीछे वाले भी देखने को मिल रहे हैं, जबकि बाकी मेंबर्स में आप देखोगे तो ये गायब हो जाएगा। सीलोम विद कंपार्टमेंट्स, एग्जाम्पल अ सिंगल रशियन जीनस, ठीक है, इसमें एकमात्र स्पीसी और जीनस आपको देखने को मिलता है। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सिंगल रशियन जीनस और स्पीसीज यहाँ देखने को मिलता है और ये पैरासाइट होते हैं साल्मन्स पे, ठीक है। तो याद कर लें, एकेंथोपडेला, एकेंथोपडेला एकमात्र, द ओनली, आप कह सकते हैं द ओनली जीनस। Am I clear? समझ में आ गया? अब ऑर्डर नंबर 2 देख लीजिए, ओके? शिखा जी गुड मॉर्निंग, थोड़ा सा लेट हो गई है पर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर नंबर 2, वैसे आपको ये लेक्चर मिल भी जाएगा पूरा का पूरा, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर नंबर 2, रिंकोपडेलिडा। अब यहां से क्या होगा, चेंजेस आने आपको शुरू हो जाएंगे। पॉइंट 1, ओनली एक्वाटिक लीचेस, ओनली एक्वाटिक लीचेस एंड दे आर 100% व्हाट, एक्टोपैरासाइट्स, अ प्रोट्रूसिबल प्रोबोसिस विद नो जॉज। अब यहां पे प्रोबोसिस होगा, देखिए ऊपर प्रोबोसिस गायब थे बट यहां पे प्रोबोसिस होगा लेकिन जॉज नहीं होंगे। सीलोम विदाउट कंपार्टमेंट्स, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम सेपरेट फ्रॉम द सीलोमिक साइनस, ब्लड यहां पे जो होगा वो होगा कलरलेस, ब्लड कैसा होगा, कलरलेस होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स, ग्लोसिफोनिया, प्लैकोपडेला, हेलोपडेला, देन पीसीकोला, देन पोंटोपडेला। और आप सोच रहे हो कि इतने सारे नाम टेढ़े मेढ़े क्यों हैं, अब क्या करें भाई, हम क्या ही कर सकते हैं। अब हम लोग राम, श्याम और क्या बोलते हैं अंजलि और क्या बोलते हैं, ऐसे तो नाम रख नहीं सकते क्योंकि हमने तो यहाँ पे नामकरण शुरू किया नहीं, ये अपने हिसाब से रख लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि भाई आप जानते हो यहाँ पे लतीन एंड ग्रीक, लतीन एंड ग्रीक वर्ड्स का ही यूज होता है नॉमनक्लेचर में, तो इसलिए नाम ऐसे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, ओके। देन ब्रैंकलियन एंड ओजो ब्रैंकस। तो आगे बढ़ते हैं फिर। ऑर्डर नंबर 3, गनेथोपडेला। आपको गनेथोस्टोमेटा भी देखने को मिलेंगे लेकिन वो हायर ऑर्गेनिजम्स में है ना। तो गनेथो, जहाँ पे गनेथो वर्ड आए समझिए कि कुछ न कुछ आपके क्या बोलते हैं जॉज या इस तरह से कहीं पे हेड पोर्शन के अगल बगल कहीं चेक होगा, है ना। तो आइए देखते हैं क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलता है गनेथोपडेला में। गनेथो यानी हेड पोजिशन में या ऊपर वाले पोजिशन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या, दो ही पॉइंट है तो जरूर आ रहे होंगे। एक्वाटिक हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट, ब्लड सकिंग होंगे यानी इनके पास सकिंग करने वाले ऑर्गन होंगे, फेरिंग्स होंगे लेकिन नॉन इवर्सिबल विद 3 pairs ऑफ जॉज। तो जॉज यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, गनेथो जॉज वगैरह डेवलप हो रहे हैं, गनेथो, अब समझ में आ रहा है। तो जॉज यहाँ पर डेवलप हो रहा है, ओके। एग्जाम्पल बिल्कुल हिरुडो, देन हिरुडिनेरिया, देन हेमाडिप्सा, ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर नंबर 4, और मेरे ख्याल से इसके बाद क्लास 4, और क्लास 4 के बाद आज की हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। मस्त होके पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी ऑर्थोपोडा लेके आऊँगा, कल या परसों में लेके आ जाऊँगा, एक दो दिन लगता है थोड़ा स्लाइड वगैरह ढूंढने में, बनाने में, है ना, ओके। ऑर्डर नंबर 4,
फेरिंग ऑफ जेला, अब फेरिंग्स यहाँ पे वर्ड आ रहा है, देखिए फेरिंग्स, तो आप कैरेक्टर्स देख के भी बता सकते हो कि कौन कहाँ पे आ रहा है। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, सम प्रेडेसियस, फेरिंग्स नॉन प्रोट्रूसिबल। फेरिंग्स कैसे हैं? नॉन प्रोट्रूसिबल हैं, नो टीथ, नो टीथ, बट वन और टू स्टाइलस मे बी प्रेजेंट। ओके अनुपमा सर, ओके गुड मॉर्निंग। ओके एग्जांपल्स, एरपबडेला, डायना। ओके ओके नाउ दिस इज द लास्ट क्लास, दैट इज द फोर्थ क्लास, जो चौथी क्लास है वो इस पूरे के पूरे फाइलम की, भाई हमने चार क्लासेस में डिवाइड किए थे, ये लास्ट वाली क्लास है, ठीक है। एंड दिस इज आर्कियनेलिडा, आर्क एनेलिडा, ओके आर्क 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 आर्क, दिस इज द ग्रीक वर्ड फॉर विच इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया है ना, तो इस तरह से यूज होता है आर्क एनेलिडा, ऐसे एनेलिडा जो फर्स्ट हैं। तो किस लिए फर्स्ट हैं, आइए इसको समझते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। अबाउट वन डोजन जेनरा ऑफ स्मॉल मरीन वर्म्स ऑफ अननोन अफिनिटीज, यू मस्ट नोट दिस, अननोन अफिनिटीज, ठीक है। यानी इसके पहले जो आपने क्लासेस पढ़े वहां पे जो अफिनिटीज थी वो नोन थी। अफिनिटीज शॉर्ट ट्रिक होगा फॉर एग्जांपल, हाँ बिल्कुल सारे के सारे अनुपमा जी, सारे के सारे जब हम वीडियो बना लेंगे, जब मैं आपके लिए सारे के सारे वीडियोस प्रिपेयर कर लूँगा फॉर ऑल फाइलम एंड क्या बोलते हैं जितने भी जनरा हैं, उसके बाद लास्ट टाइम में एक या दो सीरीज ऐसी रखूँगा वन और टू आवर्स के, जिसमें मैं शॉर्ट ट्रिक्स बनाऊँगा और वो शॉर्ट ट्रिक्स भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे फॉर द मेमोरीज, ओके आपको मेमोराइज करने के लिए। अब ये अफिनिटीज वाला क्या बवाल है इसको समझते हैं। What about the affinities? Actually, all the three classes, what you have been studied in the previous one, here, तो उनमें क्या होता था कि affinities होती थी अपने पिछले group से, that is for the nematodes and ascalmanthes, and for the what mollusca and sometimes arthropoda and sometimes for the mollusca. तो they have different affinities for different groups. But, okay, thank you, most welcome. But what happens that some of the annelids are there that have unknown affinities and still have to be correlate with the lower and higher groups for their particular affinities, and they are particularly placed in the class 4, that is Archaeannelida. That is Archaeannelida, that is the first annelida. Am I clear? I think I am clear. Okay. Now, segmentation chiefly internal. Now you can observe one of the most drastic change here. Segmentation, bhai sahab, segmentation, क्या होता था? अभी तक हम देखते थे कि वो बाहर से होता था, external ज्यादा appear होता था, है ना? External appear होता था ज्यादा, internal कम appear होता था या नहीं होता था, but यहाँ पे क्या है कि segmentation chiefly internal, no parapodia and CT. ओके सेक्सेस आर सेपरेट, तो कहीं पे आपने देखा कि क्या बोलते हैं सेक्सेस हर्मोफ्रोडाइटिक नेचर शो करते थे, बट हियर सेक्सेस आर एग्जैक्टली सेपरेट एंड यूजुअली इन देयर डेवलपमेंट ट्रोकोफोर लार्वा इज प्रेजेंट, यानी लार्वल स्टेज के थ्रू ये डेवलप करते हैं। ओके वेरी गुड एग्जाम्पल्स, पॉलीगॉर्डियस, Dinophilus and Protodryalus. I think now it is very very clear. So, आज के लेक्चर से बस इतना ही, आप इसको पढ़िए, इसको रिवाइज करिए, और हाँ वीडियोज बिल्कुल पड़ी रहती हैं, कुछ देर के बाद एकदम प्लेलिस्ट में अपीयर होने लगेगी, तो वहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैंने डाउनलोड में कोई ऑप्शन बैन करके नहीं रखा है, एंड इट इज़ ओनली फॉर कि आपकी हेल्प हो चाहे जैसे हो। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मिलते हैं ऑर्थोपोडा के क्लासिफिकेशन और कैरेक्टर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और जल्दी से सक्सेस होइए। ओके थैंक यू वेरी मच।